दोस्तों, आपको सभी धर्मों के बुनियादी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आज हम आपको इस्लाम में निकाह पर एक जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी कोई हमारी बनाई हुई नहीं है, बल्कि सभी इस्लामिक विद्वानों की इस पर राय है और वो विद्वान भी कोई खुद सी राय नहीं देते, बल्कि इस्लाम की किताबों में प्रकाश से ही राय देते हैं। चाहे भारत के इस्लामिक स्कॉलर फैज सैयद हो या फिर पाकिस्तान के इस्लामिक विद्वान मुफ्ती अकमल और दुनिया भर के तमाम इस्लामिक मौलाना, मुफ्ती, इमाम इत्यादि, हम आपके सामने दो इस्लामिक विद्वानों की राय रख रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि चाची से निकाह एकदम जायज है। आप जिसे सालों तक चाची कहते हैं इस्लाम में, उस पर निकाह जायज है। सालों तक किसी में चाची भतीजे का रिश्ता रहे, दोनों में निकाह एकदम जायज है। ये इस्लाम के बड़े विद्वान मुफ्ती अकमल हैं जो बता रहे हैं कि चाची से निकाह जायज है, और ये इस्लामिक विद्वान फैज सैयद हैं जो बता रहे हैं कि चाची से निकाह जायज है। चाची क्या मामी से भी निकाह जायज है? भले ही आप किसी को चाची कह रहे हो और वो आपको भतीजा, आप और आपकी चाची में चाची भतीजे वाला रिश्ता हो, पर अगर चाचा की मौत हो जाए या फिर चाचा के तलाक हो जाए तो आप अपनी चाची से निकाह कर सकते हैं। ये इस्लाम का बुनियादी वसूल है। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर कहिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे आपको ताजी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।